हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जरा हटके स्नेहा। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और जब आपका व्रत हो तब आप खा सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बनाने के लिए हमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने नमक ले रखा है, दो हरी मिर्च ली हुई है जिसे बारीक काट लिया है, मूंगफली के दाने लिए हुए हैं और हरी धनिया जिसे बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर, आलू बॉईल कर लिए हैं, आलू को मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है बॉईल करके। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया हुआ है जिसे मैंने धोकर 4 घंटे पहले से ही भिगो के रखना है। ये देखिए कितने आराम से ये पिस जा रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पानी में नहीं भिगोना, ये हमारी जो उंगली है इसका जो पहला ऊपर का हिस्सा है बस इतना ही हमें भिगोना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए हमारे बर्तन में, हम इससे मेज़र कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम गैस में कढ़ाई रखते हैं और इसमें हमने घी लिया हुआ है, 2 चम्मच मैंने करीब इसमें घी डाला हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, ये दोनों ही व्रत में खाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है जिससे खुशबू अच्छी आती है। अब हम इसमें मूंगफली फ्राई कर रहे हैं, मूंगफली बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, इसका कलर बस चेंज हो जाए इतना ही फ्राई करना है, ना इसे डार्क ब्राउन होने पर रखना है ना ही इसे वाइट होने पर। जब ये भूनने लगेगी तो ये चटकने की आवाज़ आएगी। ये देखिए हमने मूंगफली भून के तैयार कर ली है। अब जो हमारा बचा हुआ घी है इसमें हम जीरा लेंगे और थोड़ा सा हरी मिर्च, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम इसमें टमाटर डालेंगे और नमक डाल के इसे 2 मिनट के आसपास पकाएंगे। 2 मिनट में हमारा ये अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से भुन गया है, इसके ऊपर तेल आ गया है। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं जो कि पहले से ही हमने उबाल के रखे हुए थे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज में हम मूंगफली भी ऐड करेंगे ताकि जो फ्लेवर है वो सारे बहुत अच्छे से इसमें ऐड हो जाएं। जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसमें जो साबूदाना पहले से हमने भिगो के रखा था वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साबूदाना को इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वैसे ही ये पकता जाएगा। मुश्किल से इसे 1 से या 2 मिनट होगा, इसके जो दाने हैं वो हमारे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और ये पक जाएगा। इसे पकाने में बहुत टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमारा जो मूंगफली जो हमारी साबूदाना था वो बहुत अच्छे से हमारा भीगा हुआ था और फूला हुआ था। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमने धनिया ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, जिसे आप अगर दही के साथ खाना चाहेंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।